बदन सिंह, 1 लाख का इनामी बदमाश, यूपी के आगरा में पुलिस ने एनकाउंटर में उसे मारने का दावा किया है। एनकाउंटर में उसका एक साथी भी मारा गया। इस दौरान पुलिस टीम के 2 सदस्य घायल हो गए। बदन सिंह पर आगरा के ही डॉक्टर उमाकांत गुप्ता की किडनैपिंग और 5 करोड़ रुपए फिरौती मांगने का आरोप था। अपहरण के बाद पुलिस ने डॉक्टर को छुड़वा लिया था। पुलिस के मुताबिक धौलपुर में 21 जुलाई की देर रात कचपुरा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में बदन सिंह मारा गया। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद के मुताबिक बदन सिंह दस्यु केशव गुज्जर का साथी रहा है। वह मूल रूप से राजस्थान के जिला धौलपुर के गांव अब्दुलपुर कंचनपुर का रहने वाला था। सदर के नैनाना जाट में किराए पर मकान लेकर रह रहा था। बदन सिंह का गैंग राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। अपहरण और लूट के मामले में जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। हालांकि बदन सिंह का आगरा में आतंक था, इसीलिए उसने किडनैपिंग और फिरौती की योजना बनाई। बदन सिंह डॉक्टर अपहरण कांड से पहले भी 3 अपहरण की वारदातों को अंजाम दे चुका था। 2017 में उस पर मुरैना में 10,000 रुपए का इनाम रखा गया था। आपको डॉक्टर अपहरण कांड के बारे में भी बताते हैं। एतमाउद्दौला थाना क्षेत्र में ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज 2 में डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का नर्सिंग होम है। डॉक्टर गुप्ता 13 जुलाई की शाम अपने घर से कार में बैठकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकले थे, लेकिन 11 बजे तक वापस नहीं आए। उनके दोनों मोबाइल फोन भी रात 8:30 बजे से बंद आ रहे थे। ऐसे में डॉक्टर उमाकांत की पत्नी डॉक्टर विद्या गुप्ता को चिंता हुई। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की कई टीमें डॉक्टर की तलाश में जुट गईं। ये पता चला कि डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का अपहरण 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए किया गया है। अपहरण की साजिश दस्यु केशव गुज्जर के गुर्गे बदन सिंह ने रची है। बदन सिंह ने उमाकांत के अपहरण के लिए गैंग में महाराष्ट्र के गोंदिया की मंगला पाटीदार को भी शामिल कर लिया था। रुपयों का लालच देकर उसका डॉक्टर से संपर्क कराया, फोन करके बातचीत कराई। इसके बाद फोन से बुलाकर कार में अगवा कर ले गए थे। हालांकि पुलिस ने 14 जुलाई को बीहड़ के जंगल से डॉक्टर को छुड़ा लिया। तब से बदन सिंह और उसका साथी फरार थे। इससे पहले भी किया था अपहरण। धौलपुर में सरमथुरा रोड निवासी डॉक्टर निखिल बंसल का सदर क्षेत्र में डेंटल क्लिनिक था। अक्टूबर 2017 में वो अपने घर जाने के लिए मधुनगर के पास गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक बुलेरो गाड़ी से आए बदमाशों ने हथियार के बल पर उनका अपहरण कर लिया। डॉक्टर के परिजनों ने कथित तौर पर फिरौती देकर उन्हें छुड़ाया। हालांकि बाद में पुलिस ने धौलपुर निवासी बदन सिंह समेत 8 बदमाशों को इस मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इस अपहरण में धौलपुर के दस्यु केशव गुज्जर का नाम भी शामिल था। पुलिस ने उसकी बहुत खोजबीन की, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदन सिंह पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। इसमें अपहरण और लूट के केसेस भी हैं। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में बदन सिंह का नाम अलग अलग है। बदन सिंह ने पकड़े जाने पर कई बार अलग अलग नाम बताए, जैसे कि बदन सिंह तोमर, बदन सिंह गुज्जर और ठाकुर गैंग के नाम से वो वारदातों को अंजाम देता था। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।